Memphis Depay to Atletico Madrid, guys. Yes, guys, you heard right. This is the latest news coming up from exclusively from Fabrizio Romano. As you can say, guys, see here कि यहाँ पे Fabrizio ने clearly बोला है कि यहाँ पे Atletico Madrid ने inquiry की है for the transfer of Memphis Depay. क्योंकि हमें पता है कि आज ही official deal announce हुई है João Félix to Chelsea. तो obviously उन लोगों को एक forward position पे वहाँ पे player चाहिए. वो दूसरे option भी explore जरूर कर रहे हैं. लेकिन एक option उसमें उन लोगों ने Memphis Depay का भी रखा है. और वो लोग confident है कि वो player को तो मना ही लेंगे. लेकिन Barcelona को क्या उस condition पे convince कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उन सब के बारे में आज जानेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि Barcelona को क्या इस deal से फायदा होगा कि नुकसान होगा. तो अगर गाइस हम फाइनेंशियल वाइज देखें तो भाई मेम्फिस डिपे का हमें पता है कि समर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहे हैं. तो समर में अगर वो जाएगा तो वो फ्री ट्रांसफर जाएगा, तो हमें फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट नहीं होगा. अगर जनवरी में उसका ट्रांसफर होता है तो हमें जो 5-10 मिलियन जो भी मिलेंगे तो फाइनेंशियली हमें उससे बेनिफिट होगा. अगर हम अपनी स्क्वाड डेप्थ के हिसाब से देखें तो अगर आप देखें कि हमारे पास चार विंगर ऑलरेडी है, फरान तोरेस, आंसु फाती, रफिन्या, डेम्बेले. एंड अगर हम स्ट्राइकर पोजीशन पे देखें तो वहां पे हमारे पास लेवांडोस्की. तो अभी हमारे पास करंटली 5 फॉरवर्ड पोजीशन है प्लस मेम्फिस डिपे 6. तो आई थिंक अगर उसके जाने देने से आप अभी करंटली 4 कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे हो. एक तो सुपर कप है जो अभी नेक्स्ट मैच उसी में है. उसके अलावा आप देखिए कि कोपा डेल रे में आप हो, लालिगा में आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, एंड आप यूरोपा लीग में भी हो. तो 4 कॉम्पिटिशन में आप कम्पीट कर रहे हो और आप 5 फॉरवर्ड के साथ क्या इस सीजन को निकाल सकते हो. तो एक ये भी बार्सिलोना और जावी का बड़ा कंसर्न होगा. नो डाउट हम सिर्फ इसको फाइनेंशियल वाइज देख के ही सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस सीजन के ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. सिर्फ अपना फाइनेंशियल जो साइड है उसी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से. और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से जो जिस तरह से मेम्फिस डिपे ने हमारे लिए मतलब पर्टिकुलरली एज ए बार्सिलोना क्लब में जो परफॉर्मेंस दिया है इस सीजन पर्टिकुलरली, वो उतना कन्विंसिंग नहीं है. वो नेदरलैंड के लिए ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में अच्छा दिखा था वो मैं समझ सकता हूँ. लेकिन जो लास्ट मैच भी उसने खेला है बार्सिलोना के लिए वर्ल्ड कप के बाद, उसमें भी वो उतना ज्यादा श्योर नहीं दिखा है. और एक कॉन्फिडेंस की कमी मेरे को लग रही है उसमें. तो आई थिंक अच्छी डील है मेरे हिसाब से. एंड आई थिंक आपको एक अपना फिर अगर आप मेम्फिस को सेल करते हैं तो आपको कोई अपना लामासिया का या फिर आपके जो बार्सा एथलेटिक है वहां से कोई फॉरवर्ड प्लेयर को आई थिंक आपको मिनट्स देनी पड़ेगी. क्योंकि 5 फॉरवर्ड के साथ आप पूरा मतलब इस सीजन हमें पता है कि जो अभी वीक में 2-2 मैचेस होने वाले हैं तो वो तो आप नहीं निकाल सकते. तो ऑब्वियसली हमें एक और फॉरवर्ड वहां पे चाहिए. तो आई थिंक लेट्स सी फाइनेंशियली ये डील काफी मतलब अट्रैक्टिव लगती है. लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस सीजन हमारे पास जो फॉरवर्ड पोजीशन में सिर्फ 5 ही प्लेयर है और उसी के साथ आप 4 कॉम्पिटिशन में आप नहीं जा सकते. मतलब आपको कहीं ना कहीं रोटेशन और इंजरी अगर किसी प्लेयर को हुई तो फिर आपके लिए दिक्कत आ सकती है. तो लेट्स सी कि क्या बार्सिलोना क्लब एंड क्या जावी का इसमें थॉट प्रोसेस रहता है और क्या वो डिसीजन पे आते हैं कि मेम्फिस को जाने दे. तो वो काफी क्रूशियल रहेगा. एंड आई थिंक मेम्फिस तो मेरे हिसाब से कन्विंस हो जाएगा क्योंकि उसको वहां पे रेगुलर टाइम मिलने लगेगा एंड उसको मतलब सिमियोनी के अंदर खेलने का मौका भी मिलेगा. तो लेट्स सी कि मेम्फिस का भी क्या इसमें डिसीजन रहता है. लेकिन आई थिंक अगर दोनों ही पार्टीज इसमें एग्री होती है तो आई थिंक बार्सिलोना के लिए भी अच्छी डील है क्योंकि आपको फाइनेंशियली थोड़ी बेनिफिट भी मिल जाएगा. वैसे भी वो समर में फ्री ही जाने वाला है तो आई थिंक अच्छी डील रहेगी. तो लेट्स सी कि ये मूव हो पाता है कि नहीं होता, ये डील कंप्लीट हो पाती है कि नहीं हो पाती. लेट मी नो गाइस व्हाट्स यू थिंकिंग अबाउट दिस डील. क्या आपको क्या लगता है कि इससे बार्सिलोना को क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. एंड ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्यूरियस सीरीज चैनल को. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर. बाय बाय.